गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के लगभग बज रहे हैं 6 और अभी मैं सो के उठा हूँ। आज घूमने नहीं गया और क्योंकि आज संडे है तो मैं आज के दिन नहीं जाऊँगा। आज करूँगा थोड़ी साफ सफाई इसकी। ये देखो चारों तरफ ये घास हो रही है। तो इसकी करते हैं सफाई और कपड़े धोते हैं स्कूल के और अंदर रूम की सफाई करते हैं। तो बने ये ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये घास की कटिंग कर दी है फिलहाल। अभी इस घास को पीछे की तरफ फेंक देंगे। तो थोड़ी बहुत ये भी है, इसको भी थोड़ी थोड़ी छोटी कर देते हैं। जैसे काटनी तो नहीं चाहिए, तोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह पानी जो पड़ता है तो रेत को रोक लिया। इसलिए इसको थोड़ी थोड़ी छोटी कर देते हैं, पूरी तरह से काटेंगे काटेंगे नहीं। रेत हो रहा था काफ़ी दिन से, तो इसको भी इसको साफ करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों सफाई हो चुकी है और अभी मैं कपड़े धोता हूँ, नहाता हूँ। तो मेरे ये ब्लॉग में मिलते हैं नहाने के। तो दोस्तों फिलहाल नहा धोकर रेडी और अभी चलेंगे थोड़ी देर बाद सांकला, सब्जी लेके आएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों। फिलहाल चलते हैं सांकड़ा और फिलहाल अभी 2 बज रहे हैं तो दूध लेके आते हैं। तो बचा है जिंदगी है। हर बार आएगा मेरी वीडियो में 20 वाला गिलास दे दे। दोस्तों फिलहाल शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं मार्केट से आ चुका था पर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। दोस्तों फिलहाल पहुंच चुका हूं मैं नदी पे घूमते घूमते, नदी के पास नहीं और यहां ट्रॉली भर रहे हैं। चलने दो अब लोग तो क्या। अवैध खनन जबरदस्त, इधर भी रेता का अवैध खनन खूब हो रहा है। ये ट्रैक्टर जा रहा है, थोड़ी सी मिट्टी लेकर उधर जाएगा सामने रेता भरने के लिए। वो लड़के जा रहे हैं उधर, नदी में रेता निकलती है ये वाली चंबल जैसी बजरी। ये गया अब दूसरी साइड रेता भरने के लिए नदी में। ओके निकल रहा है अभी। दोस्तों फिलहाल चलते हैं रूम पर और पीछे आपने देखा कि कितना जबरदस्त नदी की चौड़ाई होती जा रही है, अवैध खनन जबरदस्त। और इधर भी सब कुछ होता है जैसे अपनी तरफ होता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं सीधे रूम पर। दोस्तों फिलहाल रूम पर आ चुका हूँ और अभी जय ब्लॉग में यहीं समाप्त करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।